वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद सरिता में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने शेयर करने वाले हैं एप्पल की खीर बनाना। तो एप्पल की खीर बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी वो चीज देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 एप्पल और ये चीनी ली है, आधी कटोरी चीनी, नारियल का चूरा और ये ड्राई फ्रूट कुछ लिए हैं जो आपके पास हो वो आप ले सकते हैं, जैसे बादाम, काजू कुछ भी ले सकते हैं। और ये थोड़ी सी कुटी हुई मैंने हरी इलायची ली है। और इसको बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है जो कि मैंने गैस पे ऑलरेडी रख दिया है उसको गाढ़ा करने के लिए। दोस्तों मैंने 1 लीटर दूध लिया है, मैंने भगोने में इसको रख दिया है और हल्की आंच पे इसको ऐसे ही पकाते रहेंगे जब तक गाढ़ा गाढ़ा ये ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों आगे की तैयारी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एप्पल को अच्छे से धुल लेना है इनको और फिर इनको एप्पल को छील लेना है। दोस्तों मैंने सेब को छील लिया है, अब मुझे क्या करना है, कद्दू कस लेंगे और कद्दू कस में इनको कस लेना है सेब को। ये बीज का जो निकलता है बीज वगैरह उनको हटा देना है। ऐसे हम कद्दू कस से इनको कस लेंगे। ये देखिए इस तरह का बीच में जब बीज वाला पार्ट रह जाए तो इसको हम हटा देंगे। ऐसे ही दूसरा हम सेब कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए दोनों कद्दूकस से मैंने एप्पल को कस लिया है। ये बीज का जो बीज वाला भाग निकलता है ये मैंने हटा दिया। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, इतना हमारा ये कद्दूकस किया हुआ सेब निकल आया है, अब हम चलते हैं गैस। देखिए दोस्तों ये हमारा दूध जो है वो गाढ़ा होने लगा है। ये देखिए काफी हद तक गाढ़ा हो गया है। लगभग हमको इतना पकाना होता है, जैसे 1 लीटर मैंने अगर दूध लिया है तो लगभग 300 ग्राम तक बचना चाहिए दूध, वो गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो जब तक ये दूध पक रहा है तब तक हम एप्पल की तैयारी करते हैं। ये गैस पे मैंने पैन चढ़ा दिया है। अब इसमें हमको क्या करना है, ये जो मैंने कद्दूकस किया था एप्पल इसको हम इसमें डाल देंगे। डाल के इसको हम पकाएंगे। देखिए इसको हम पकाएंगे, अभी इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। एप्पल की खीर बनाना दोस्तों बहुत ही सरल होती है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। बनाने में कोई दिक्कत नहीं है और खाना बहुत स्वादिष्ट बनती है ये खाने में। ऐसे ही थोड़ी देर पकाएंगे इसको, इसका भी कलर चेंज हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें अब चीनी डालनी है मुझे। अब मैंने जो ये चीनी ली थी दोस्तों वो इसमें डाल देंगे। अगर ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी चीनी की मात्रा जो है वो आप लोग बढ़ा लीजिए और ये चीनी इसी में घुल जाएगी। ऐसे इसको हम पका लेंगे। देखिए हल्का हल्का कलर जो है वो चेंज होने लगा है और चीनी भी घुलने लगी है। एप्पल लगभग ये पक चुका है, अब
थोड़ी देर इसको और पका लेते हैं। फिर इसको इस एप्पल को और दूध को थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए दोस्तों, एप्पल हमारा पक चुका है, चीनी भी मेल्ट हो चुकी है, देखिए कलर भी इसका चेंज हो गया है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और दूध भी हमारा लगभग रेडी हो चुका है। देखिए दोस्तों, दूध भी गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसकी भी गैस को ऑफ कर देंगे और इसको भी ठंडा होने देंगे। और ठंडा क्यों होने देंगे ये आगे मैं बताती हूँ। देखिए दोस्तों, दूध ठंडा हो चुका है। इतना ठंडा भी नहीं करना है कि बहुत ज्यादा ठंडा हो जाए, मतलब उंगली जो है ये सहले, इतना हमको ठंडा करना है। हल्का सा बिल्कुल गुनगुना रहेगा। और अब हमें क्या करना है, ये जो मैंने एप्पल का बनाया था, पकाया था एप्पल को, इसको हम इसी में डाल देंगे। और ठंडा इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि अगर गरम गरम में डाल देंगे तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो दूध जो है वो फटाफटा दिखने लगता है। तो इसलिए मैंने कहा था कि इसको ठंडा होने देते हैं। कोई कोई गरम गरम में ही डाल देता है तो दूध फटाफटा दिखने लगता है। तो फटाफटा ना दिखे इसके लिए मैंने हल्का सा इसको ठंडा किया था। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। देखिए कितनी अच्छी दिख रही है खीर हमारी। अब हमें क्या करना है, ये नारियल का चूरा जो है इसको डाल देंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको स्किप कर सकते हैं। अब हम ये जो मैंने कुटी हुई इलायची ली थी इसको डाल देंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है खीर का। और ये ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल देंगे। आपके पास काजू बादाम अगर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब देखिए हमारी खीर बनके रेडी है। देखिए कितनी देखने में टेस्टी लग रही है, जितनी ये देखने में सुंदर लग रही है उतनी ये खाने में भी अच्छी लगेगी। तो हम अब इसको सर्व करते हैं। दोस्तों मैंने खीर सर्व कर दी है। अब मैं इस पे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दूंगी इसको। देखिए दोस्तों, खीर हमारी बनके तैयार हो गई है खाने के लिए। तो आप भी दोस्तों बनाइए और अपने घर वालों को खिलाइए। तो अगर दोस्तों मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, खीर एप्पल की खीर की रेसिपी अगर पसंद आई हो आप लोगों को, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करिएगा। और अगर कोई भी कमेंट करना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।